आज के दिन मैं जो है चंद असेंबली सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा हूं आपके सामने। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर मंजरी सिलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राजेंद्र नगर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मुहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फ़िकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूँ। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असेंबली हलकों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशंस की तारीख शुरू हुई है। तो ये करूँगा और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुबहाना व तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों को का वो MLA बनेंगे, कामयाब होंगे, अवाम की उनका साथ मिलेगा, अवाम की दुआएं, अवाम का वोट उनको मिलेगा इंशाअल्लाह तआला। और हमारी कैंपेन का आगाज़ भी कल परसों से शुरू हो जाएगा, तो दूसरे 3 असेंबली हल्के जात का इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सामने नामों का ऐलान कर दूँगा।